अब जैसे शिरडी ने साईं को खींचा, उस नीम के पेड़ में भी तो कोई खास बात होगी कि उसने साईं को वहां आकर बैठने के लिए मजबूर किया। नीम का पेड़ हम सब जानते हैं, उसके उसकी तासीर ही कड़वी होती है, उसके पत्ते कड़वे होते हैं, उसकी डंठल कड़वी होती है, लेकिन उसके औषधीय गुण बड़े होते हैं। साईं जब प्रकट हुए तो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए। आपके मन में जब साईं आकर बैठे हैं तो ये मान के चलिए कि वो नीम का पेड़ और कुछ नहीं है, हमारा मन है, कड़वाहट से भरा हुआ, छल कपट धोखा झूठ फरेब, हमारा मन है जिसके अंदर तमाम कड़वाहट भरी हुई है। इस कथा के माध्यम से साईं उस मन के नीचे आकर बैठ गए हैं। अब जब साईं ने वहां तपस्या की तो नीम के पेड़ की तासीर बदल गई, उसके पत्ते मीठे हो गए। अपने मन में साईं को बिठा करके तो देखिए, आपका कड़वा मन मीठा ना हो जाए तो कहिएगा। साईं को बिठाइए, उसको टिकने दीजिए वहां पर। सदगुरु भगवान ईश्वर बड़े चंचल होते हैं, अगर हमने उनको भाव से नहीं पकड़ा तो वो चले जाते हैं। अपने भाव से उनको सींचिए, आपका मन भी मीठा हो जाएगा, तमाम कड़वाहट आंखों के आंसुओं के रास्ते बाहर निकल जाएगी, पश्चाताप ग्लानी की आग में सारे अवगुण पाप दुर्गुण सब नष्ट कर हो जाएंगे, जल जाएंगे। कोशिश करनी होगी साईं को अपने मन में बिठाने की, उनको बिठाइए वहां पर। मन बदलता है, औषधीय गुण आपके मन में भी होते हैं, आपके पूरे जीवन को आपका मन ही संचालित करता है। मन अगर कड़वा है, इसमें कुछ उग नहीं सकता, तो ये मरुधर हो जाएगा, और अगर इसमें भक्ति के कोपले उगना शुरू हो गई तो ये तरुवर हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इस मन को सिंचित करते हैं। बाबा आए वहां पर शिरडी में, उनको न कोई जानता था न कोई पहचानता था। जैसा मैंने कहा कि बाबा नीम के पेड़ के नीचे कभी तपस्या करते हुए दिखते, कभी पैदल पैदल नदी नाले के पार चले जाते, जंगलों में विचरण करते, उनको जंगली जानवरों से डर नहीं लगता था, उनके चेहरे पर एक अद्भुत कांति चमकती रहती, उनका चेहरा हमेशा प्रदीप्त रहता, उनके आगमन से शिरडी में किसी को फर्क पड़ा हो ना पड़ा हो, बायजा माई को जरूर फर्क पड़ा। आमतौर पे उनको पागल फकीर समझ करके शिरडी के लोग दुत्कारते थे, लेकिन द्वारका माई के ठीक सामने रहने वाली बायजा माई साईं बाबा को ढूंढ करके खाना खिलाने जरूर जाती हैं।
उनके लिए रोज नए पकवान बनाती, उनके पीछे पीछे ढूंढते हुए जंगल नदी नालों को पार करती हुई जाती, उनको जबरदस्ती मुंह में निवाला रखती। उस फकीर का नाम किसी को पता था नहीं। उस फकीर के इस तपस्या को देख करके शिरडी के गांव के लोगों के मन में कौतूहल उठा कि ये कौन हो सकता है। आमतौर पे इंसान के अंदर कुछ देर के लिए कुछ अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि उसमें किसी देवी या देवता का संचार हुआ है। ऐसे ही एक बार शिरडी गांव में किसी व्यक्ति को खंडोबा का संचार हुआ, यानी खंडोबा कुछ देर के लिए उसके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गए। शिरडी के गांव वालों ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये फकीर कौन है और ये यहीं नीम के पेड़ के नीचे क्यों बैठा रहता है। उस व्यक्ति के कहने पर उस स्थान की खुदाई की गई। खुदाई की गई तो एक तहखाना था, उसके अंदर कुछ दीपक जल रहे थे, गौमुखी थी, मालाएं थी, और जिस व्यक्ति में खंडोबा का संचार हुआ था उस व्यक्ति ने शिरडी वालों से कहा कि इस युवक ने यहां पर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करी है। जब इस युवक यानी इस फकीर से पूछताछ की गई तो उसने सज्जनता पूर्वक ये कह दिया कि इस स्थान को पुनः बंद कर दिया जाए। इस घटना के कुछ वक्त बाद ये लड़का, ये फकीर शिरडी से गायब हो गया। कोई कहते हैं साल, कोई कहते हैं 2 साल, शायद 3 साल, ठीक ठीक हिसाब तो सिर्फ साईं को पता होगा। धूप गांव का सरकारी मुलाजिम चांद पाटिल अपनी घोड़ी से बहुत प्रेम करता था। उसकी घोड़ी खो गई थी, वो उस घोड़ी की जीन अपने कंधे पर लटकाए लटकाए गांव गांव, जंगल जंगल, पर्वत पर्वत उस घोड़ी को ढूंढता रहता। हमारी हालत भी कुछ चांद पाटिल जैसी ही है। हमारी खुशियां बड़ी चंचल होती हैं, घोड़ी के समान सरपट दौड़ निकलती हैं, कहीं भी गुम हो जाती हैं, और हम अपनी इच्छाओं की जीन अपने कंधे पे लिए 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 उस खुशी को ढूंढते रहते हैं, जैसे चांद पाटिल अपनी घोड़ी को ढूंढ रहा था। ऐसे ही जंगल से गुजर रहा था चांद पाटिल, पीछे से आवाज आती है, क्यों चांद अपनी घोड़ी को ढूंढ रहे हो। चांद पाटिल पलट करके देखता है तो एक पेड़ के नीचे अपनी पीठ सटाए हुए सफेद कपड़ों में एक दाढ़ी वाला युवक बैठा हुआ था। चांद पाटिल अचरज में कि इसको मेरा नाम भी पता है, मैं किसे ढूंढ रहा हूं ये भी पता है। वो कहता है, हाँ बाबा, मैं अपनी घोड़ी को ढूंढ रहा हूं। ये औलिया कहता है, जाओ उस पहाड़ी के पीछे एक नदी बह रही है, वहीं पर तुम्हारी घोड़ी पानी पी रही है। खुशियां अक्सर जब दौड़ के दूर चली जाती हैं तो कहीं ऐसे विषम स्थानों पर ही हमको मिलती हैं।
तब सदगुरु चाहिए होता रास्ता बताने वाला कि हमारी खुशियां दरअसल कहाँ खो गई हैं और हमको कहाँ मिलेंगी। चांद बादल दौड़ता हुआ जाता है, उसको अपनी घोड़ी मिल जाती है, उसको गले लगाता है, बहुत प्यार करता है, उसको चूमता है और बहुत लाड़ करते हुए उस फकीर के पास चलता हुआ आता है। फकीर चांद से पूछता है, चांद चिलम पियोगे? चांद कहता है, आप हिंदू हैं? वो फकीर कहता है, मैंने तुमसे पूछा तुम चिलम पियोगे? चांद पूछता है, आप मुसलमान हैं? अब की बार थोड़े सख्त लहजे में फकीर कहता है, चांद मैंने तुमसे पूछा तुम चिलम पियोगे? न हिंदू न मुसलमान, गुरु की जात कभी नहीं पूछनी चाहिए। गुरु का प्रसाद जिस रूप में मिल जाए ले लेना चाहिए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान से मतलब रखिए आप। चांद को लगा ये चिलम पीने की बात कह रहा है, इसके पास चिलम में रखने के लिए अंगार तो है नहीं, और जब चिलम मिट्टी की होती है गर्म हो जाती है उसमें अंगार रखने से, तो उसके आसपास जो कपड़ा लपेटा जाता है उसको कहते हैं साफी। तो साफी को ठंडा करने के लिए पानी भी नहीं है। ये यहां पे चिलम मुझे कैसे पिलाएगा? उस औलिया ने चांद के मन की बात पढ़ ली, उसने अपना सटका उठाया और जमीन में दे मारा, उसमें से अंगार निकला। चिमटा उठाया, उसने जमीन में मारा तो पानी की धार निकल आई, हो गई चिलम तैयार। साईं के जीवन में जब हम पढ़ते हैं, सच्चरित्र को ध्यान से पढ़ते हैं, तो चिलम का बड़ा महत्व। हम चिलम को शायद साईं के जीवन का या दिनचर्या का एक हिस्सा मान करके चलते हैं, लेकिन अगर कुछ देर को सोचे तो क्या हम लोग चिलम जैसे नहीं हैं? हमको भी कच्ची मिट्टी से हमारे माता पिता गढ़ते हैं, दुनियादारी की भट्टी में हम लोग तपते हैं, तब कठोर हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, कालिख भी लग जाती है कई दफे तो, और बहुत तपने के बाद, इधर उधर भटकने के बाद, बहुत कम खुशकिस्मत चिलम होती हैं जिनको सदगुरु के होठों का चुंबन मिल जाता है। हम लोग वैसी ही चिलम हैं। मैं चिलम हूं मिट्टी की, जलना मेरी
गढ़ा कुम्हार ने, मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, धरती पे तपी अंगार ने, धरती पे तपी अंगार ने, मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, धरती पे रही अंगार में, रही मस्त साई के प्यार में, मुझे भा गया पागल फकीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरे तपती, बन रही मेरी तकदीर। जलना मेरी तकदीर, बन रही मेरी तकदीर और बन गई मेरी तकदीर। वो चिलम बनिए जो साईं के अधरों पे लग करके जिसकी तकदीर बन जाती है। तपना पड़ेगा, झुलसना पड़ेगा। सदगुरु की राह इतनी आसान नहीं होती है। जब तक कि आप अपने आप को उसके हवाले करने के लिए तैयार ना हो, आप बदल भी नहीं सकते। आप अगर अनिच्छुक हैं, इफ यू आर अनविलिंग,
Even the greatest powers cannot create a change in you. तैयार होना पड़ेगा और जब तैयार होंगे तो तकदीर बन जाएगी. खैर, बाबा ने और चांद ने मिलकर के चिलम पी. बाबा के चमत्कारों से अभिभूत होकर के उसने बाबा से कहा कि आप मेरे साथ धूप गांव चलिए. बाबा ने कहा कि मैं कल आऊंगा. कल आई और इस औलिया ने अपना वायदा निभाया. धूप गांव रहने चले गए, कुछ दिन रहे, लेकिन उनका रवैया वही का वही रहा. यहां भटकते, वहां भटकते, कभी मस्जिद में जाके राम राम कहते तो कभी शिवालय में जाके अल्लाह अकबर कह देते. कोई समझ में नहीं रहा था कि ये फकीर चाहता क्या है. दिन गुजरते गए. चांद पाटिल की पत्नी के भाई के बेटे की शादी तय हो गई. और देखिए शादी कहां तय हुई, शिरडी में. बाबा चांद के साथ रहते थे. चांद ने उनसे पूछा आप शादी में शिरडी चलेंगे? बाबा ने कहा जरूर चलेंगे. शिरडी की धरती खींच रही थी साईं, बार बार अपनी तरफ खींच रही थी. कारण बनते जा रहे थे, कारण मिलते जाते हैं. हमारे जीवन में भी जब कोई चीज हमको खींचती है तो कारण बनते जाते हैं. समझ में नहीं आता लेकिन कारण बनते जाते हैं. हम माने या ना माने लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका पूर्वाभास यदि हमारा मन साफ है तो हमें होने लगता है. एक गट फीलिंग होती है, वो गट फील हमको बताती है कि अब क्या होने वाला है. बारात शिरडी पहुंची. बरगद के पेड़ के नीचे बारात को जनवासा दिया गया, रुकने का प्रबंध किया गया. उस जमाने में होटल लॉज तो होते नहीं थे. आप इस पेड़ के नीचे रुक जाइए, आप उस पेड़ के नीचे रुक जाइए. शिरडी छोटा सा गांव, शायद 200-300 की आबादी रही होगी उस वक्त. टूटे फूटे मकान, काश्तकार लोग, कृषि पे व्यवसाय करने वाले लोग, सीधे साधे भोले भाले लोग. बारात बरगद के पेड़ के नीचे उतरी और एक तरफ चली गई और ये फकीर घूमता हुआ उस बरगद के पेड़ के पास खंडोबा का मंदिर था, वहां पहुंच गया. खंडोबा यानी शिव का एक स्वरूप. एक जमाने में जब मल और मणि नाम के राक्षसों का बहुत आतंक मचा हुआ था और सभी देवताओं को परेशानी हो रही थी तो ये सारे देवता पहले इंद्र के पास बाद में विष्णु के पास गए, लेकिन उनको मदद मिली तो शिव से. शिव ने तब खंडोबा का अवतार लिया और मल और मणि नाम के इन राक्षसों का संहार करके देवताओं को सुकून दिलाया. खंडोबा का मंदिर, उसका एक बहुत ही भोला भाला सा पुजारी मालसापति चिमनलाल नागरे, स्वभाव से बहुत गरीब था, किस्मत से भी गरीब था, पैसों से भी गरीब था. बहुत ही भोला भाला सज्जन पूजा करके बाहर निकल रहा था. यहां से इस फकीर का आना हुआ और देखिए उसके मुंह से क्या निकला, या साई, आओ साई. नामकरण हो गया था इस फकीर का. साई शब्द का अर्थ अरबी भाषा में
सूफी संतों के लिए प्रयोग किया जाता। ये चिमनलाल बालसापति चिमनलाल नागरे तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, न जाने किस रौ में उसके मुख से निकल गया आओ साई। और वो जो रौ थी जिसमें ये शब्द उसके मुंह से निकला था, उसने जाना भी नहीं होगा कि वही नाम न जाने कितने बिगड़ी हुई किस्मतों को सवारेगा, न जाने कितने रोतों को हंसाएगा, न जाने कितने बेसहारों का सहारा बनेगा। नाम करण हो गया। घूमते घूमते ये फकीर मालसापति के पास पहुंचा और मालसापति से पूछता है, क्या मुझे रात खंडोबा मंदिर में गुजारने की इजाजत मिल जाएगी? मालसापति बहुत ही, मैंने आपसे कहा ना, साफ सीधा सज्जन, कपट से कोसों दूर। उसकी इच्छा तो हो रही थी कि ये फकीर रात को खंडोबा मंदिर में रुक जाए, लेकिन मन ही मन विचारों का द्वंद्व चलने लगा कि गांव के लोग क्या कहेंगे, मैंने इस फकीर को यहां रुकने की इजाजत दे दी, इस मुसलमान से दिखने वाले फकीर को। वो जवाब देता हां या ना का उससे पहले ही अभी अभी जिनका नामकरण हुआ था साईं, उस फकीर ने कह दिया, तुम चिंता मत करो, मैं अपना ठिकाना ढूंढ लूंगा। घूमते घूमते वो फकीर वापस उसी नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा, शिरडी की गलियों में घूमने लगा। जंगल, नदी, नाले, जहां पर वो पहले घूमता था, उन्हीं जगहों पर फिर घूमने लगा। बायजामाई उसको मिली। बायजामाई उसको देखते ही उसको प्यार से टपटने लगी, कोई अपनी मां को छोड़ करके ऐसे जाता है भला? तू कहां चला गया? उस फकीर के पास कोई जवाब नहीं था। कहता है, मां बस ऐसे ही। कुछ दिन हुए, जब लोग शिरडी के उसको देखने लगे, उसने शिरडी गांव में ही अपना एक ठिकाना ढूंढ लिया। एक टूटी फूटी सी इमारत, कहते हैं बहुत सालों पहले वहां पे किसी मुसलमान व्यापारी की एक साड़ी की दुकान हुआ करती थी। उसने बाद में वो इमारत दान में दे दी थी किसी मस्जिद के लिए, और उस मस्जिद में कुछ वक्त तक इबादत होती रही, और कई सालों बाद तो उसमें इबादत होना भी बंद हो गई थी। टूटी फूटी थी, आधे हिस्से में छत थी, फर्श तो नामो निशान नहीं था। उसने अपना डेरा, साईं ने अपना डेरा वहीं बना लिया। सबसे पहले उसने वहां पर उस मस्जिद में एक धूनी जलाई। वो धूनी एक अग्निहोत्र के माफिक हमेशा जलायमान रखते, रोज उसमें लकड़ियां डालते, सवेरे शाम उसमें ईंधन डालते, और साईं जब तक रहे उस धूनी को उन्होंने प्रज्वलित रखा। बाद में आज भी श्री साईं बाबा संस्थान के अथक प्रयासों से वो धूनी अब भी जल रही है। उस फकीर के पास जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं था, उसकी जरूरतें भी बहुत सीमित थी। उसके पास दो जोड़ी कपड़े थे, खाने का प्रबंध उसने बड़े अद्भुत ढंग से किया। उसने भिक्षा मांगना शुरू कर दी। शिरडी के 5 घर थे जहां पर वो जाकर के भिक्षा मांगता था। भिक्षा क्यों मांगता था? बड़े
सरल स्वभाव से, बरल सरल शब्दों में हिमाड पंत ने श्री साईं सच्चरित ग्रंथ में समझाया है कि जिस व्यक्ति के पास घर परिवार ना हो, भिक्षा से गुजारा करना उसका प्रारब्ध बन जाता है। जो व्यक्ति कंचन, कीर्ति और कामिनी, इन तीनों से दूर रहा हो, उसको भिक्षा पे ही गुजारा करना पड़ता है। हिमाड पंत आगे समझाते हैं कि खाना बनाने के दौरान हमसे 5 पाप होते हैं, पीसना, गलना, बर्तन मांजना, बर्तन धोना और चूल्हा जलाना। इन 5 क्रियाओं से न जाने कितने कीटाणु मर जाते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इन 5 पापों से अपने आप को बचाने के लिए हमें 5 प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं। हिमाड पंत बताते हैं कि उन पापों के परिणामों से छुटकारा दिलाने के लिए साईं ने शिरडी में भिक्षा मांगने का क्रम प्रारंभ कर दिया। बायजामाई, बयाजी, अप्पा, कोते, पाटिल, सखाराम शेलके, वामन गोंदकर और नंदू मारवाड़ी, ये 5 घर थे जिससे बाबा भिक्षा मांगा करते थे। इन 5 के अलावा वो कभी भी किसी और घर में भिक्षा मांगने नहीं गए। शुरू शुरू में तो बाबा इन घरों में दिन में दर्जनों बार भिक्षा मांगने जाते। बायजामाई के घर के बाहर जाकर के बाबा आवाज लगाते, आबाद ही आबाद, बायजामाई रोटी ला। बाबा की खासियत थी कि कभी किसी के घर की दहलीज लांग करके अंदर भिक्षा मांगने नहीं गए, बाहर से ही आवाज लगाते, ए सखिया हाजी आण, सब्जी लेकर के आ। नंदू मारवाड़ी की पत्नी थोड़ा हकला के बोलती थी। बाबा ने उनका नाम रख दिया था प्यार से बोपीड़ी बाई। ए बोपीड़ी बाई, आज दिवाली है, पूरन पोली खाने को दिल कर रहा है, मिलेगी? ऐसा साईं का क्रम था। द्वार पे तेरे चल कर आया शिरडी वाला साए, भिक्षा दे दे माए, भिक्षा दे दे माए, द्वार पे तेरे चल कर आया शिरडी वाला साए, भिक्षा दे दे माए, भिक्षा दे दे माए। कटोरा सटका लेकर तेरे द्वारे आए, चिमटा कटोरा सटका लेकर तेरे द्वारे आए।
साईं, दो चीजों में भिक्षा लेते थे। उनके पास एक टमरेल रहती थी जिसमें वो लिक्विड तरल पदार्थ लेते थे और अपनी झोली में वो सारे सूखे पदार्थ इकट्ठे करते थे। द्वारका माई मस्जिद वापस आते, वहां पे सबसे पहले जाकर के वो धूनी माई को उनका हक अदा करते। धूनी को सबसे पहले जो भी भिक्षा मिलता वो समर्पित करते। उसके बाद निवाले, दो निवाले खुद खा लिए और उसके बाद बाहर बर्तन में जो भी भिक्षा मिलता उसको रख दिया जाता। कोई भी उसमें से जितना चाहे उठा के ले जाता। शिरडी में जो सफाई करने वाली बाई होती थी वो उसमें से रोटी, दो रोटी उठा के ले जाती। कभी कोई छोटा बच्चा भूखा है तो वो उसमें से रोटी उठा के ले जाता। कभी कोई भूखा कुत्ता आता तो उसमें से मुंह मार करके अपना हिस्सा लेकर के चला जाता। धीरे धीरे बाबा को स्वीकार्यता मिलने लगी, लोग मस्जिद आने लगे। जब लोग मस्जिद आने लगे तो कई बार बाबा का दिल भी करता कि मैं इन लोगों को कुछ बना करके खिलाऊं। तो इसकी व्यवस्था करने वो जो भी दक्षिणा मिलती स्वयं जाते, शिरडी के बनियों से मोल भाव करते, खाना बनाने का सामान ले आते और दो बड़ी बड़ी हांडियों में भोजन पकाया जाता। बाबा अपने हाथ से भोजन पकाते, एक में सामिश एक में निरामिश भोजन रहता। अपनी कफनी की बाहें ऊपर चढ़ाकर बाबा उन हांडियों में हाथ घोल करके डालते और भोजन बना करके अपने हाथों से परोसते। 1911 के बाद जब भीड़ बहुत बढ़ने लगी शिरडी में तो बाबा ने यह क्रम बंद कर दिया। उनकी परवरिश एक मुसलमान सूफी संत के हिसाब से हुई थी तो इसलिए उन्होंने कभी सामिश भोजन से परहेज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी वेजिटेरियन खाने वाले को यह नहीं कहा कि तुम नॉनवेज खाओ। दो अलग अलग हांडियां इसीलिए रहती थी कि दोनों प्रकार का भोजन अलग अलग बने और अलग अलग परोसा जाए। साईं बाबा शुरुआत के दिनों में बहुत अच्छे वैद्य भी होते थे, चिकित्सक भी होते थे। किसी की आंखों में तकलीफ हो गई, पानी निकल रहा है, लाल हो गई, सूजन आ गई तो कहते थे कि भिलावा का पत्ता पीस करके आंखों को बंद कर दो, खोलो तो सूजन लालपन सब जाता रहता। बड़ी अद्भुत चिकित्सा प्रणाली थी उनकी। कभी किसी का पेट खराब हो जाए तो कहते कि उसको पिस्ते बादाम का बना हुआ गाढ़ा काढ़ा बना करके पिला दो, जो कि आज की मेडिकल साइंस के बिल्कुल विपरीत है। धीरे धीरे जब भीड़ बढ़ने लगी तो बाबा ने दवाइयां देना भी बंद कर दिया। जो धूनी उन्होंने जला रखी थी, उस धूनी की भभूति जिसको हम ऊदी कहते हैं, वो ऊदी बाबा अपने भक्तों को देते थे। आज भी उस धूनी की ऊदी से लोगों की दुख तकलीफें दूर होती हैं। बाबा अपने हाथों से मुट्ठियां भर भर करके ऊदी बांटते, कभी किसी के माथे पर खुद लगा देते। उस ऊदी के चमत्कारों की कुछ घटनाएं श्री साईं सच्चरित्र में लिखी हुई है। लेकिन आज भी
उस धुनी से निकलने वाली ऊदी लोगों को इतने चमत्कार देती है, इतनी दुख तकलीफें उनकी दूर करती है, लोगों के बड़े बड़े बीमारियां दूर हो जाती हैं, उनके बुरे दिन खत्म हो जाते हैं। राख, राख है क्या कोई राख इतनी शक्तिशाली हो सके? सच्चरित्र में तो कुछ 8-10 घटनाएं दी हुई हैं, लेकिन अगर उदी के चमत्कारों को हम आज लिखना शुरू करें तो प्रत्येक दिन इतने बड़े बड़े ग्रंथ उस उदी के चमत्कारों पर लिखे जा सकते हैं। तेरे सब संकट हर ले शिरडी सारे।
जिसके पास है उसे अपने माथे पर रोज लगाना चाहिए। कोई शारीरिक कष्ट भोग रहा हो तो पानी में मिला करके ऊदी को पिला दो, जरूरत पड़ जाए और ऊदी पास ना हो तो रास्ते की धूल उठा करके ऊदी समझ के माथे पर लगा दो, वो भी चमत्कार करती है। ये साई की उस धूनी का कमाल है। क्या संदेश देती है वो धूनी? तुम जल जाओ, मिट जाओ, राख हो जाओ। तुम जल जाओ, मिट जाओ, राख हो जाओ, लेकिन मर करके भी किसी के काम, ये है वो राख। संदेश देती है कि जीते जी ऐसे काम कर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों का उद्धार उन कामों से होता रहे, तुम्हारे अंदर भी चमत्कार करने की वही शक्ति है, लेकिन अपने आप को जलाने की कुव्वत तो रखो, अपने आप को जलाने के लिए तैयार तो रहो। मरने के बाद हम भी किसी के काम आ सकते हैं, लेकिन जीते जी अपने आप को जलाने की हिम्मत हम में होती नहीं। जब ये हिम्मत आ जाएगी तो हम भी उस ऊदी की तरह चमत्कारी हो जाएंगे। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं, परमं विचित्रं लीला विभूतिं,
परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानम बाबा विभूतिम इदिमश्रयामि, बाबा विभूतिम अहमश्रयामि, बाबा विभूतिम इदिमश्रयामि। बाबा चांद पाटिल की साले की बारात के साथ 1858 में शिरडी आए। बाबा ने कई चमत्कार किए, लोगों को पता नहीं है, याद नहीं है, लिखे नहीं हुए हैं, चमत्कार तो उन्होंने किए। उनका पहला ज्ञात चमत्कार 1872 में सामने आया। बाबा रोज शाम को द्वारका माई मस्जिद में दिए जलाते थे, उनकी आदत थी। अंधेरे में कैसे रहते, दीपक तो जलाने ही थे। हम लोग भी शाम जब अपने घर में लाइट होती है तो हाथ जोड़ लेते हैं। दिए जलाना तो आजकल धीरे धीरे आउट ऑफ फैशन होता जा रहा है। दीपक जलाइए, कम से कम एक दीपक जरूर जलाइए। वो जो प्रकाश होता है उसकी दिव्यता, उसकी पवित्रता और उसकी छटा इन बिजली के लट्टुओं से कहीं ज्यादा बेहतर होती। बाबा कई कई दीपक जलाते थे द्वारका माई मस्जिद में। उसके लिए वो तेल मांगने जाते थे शिरडी के दो दुकानदारों के पास। उस जमाने में शिरडी में दो ही दुकानदार होते थे। दुकानदार तो दुकानदार हैं, नफा कमाना, एक रुपए की चीज सवा रुपए में बेचना उनका काम है, उनका धर्म है। बाबा से उनको ना कुछ मिलता ना वो बाबा से कुछ मांग पाते। रोज फ्री में तेल देते देते तंग हो गए। एक दिन दोनों ने बैठ करके तय कर लिया कि आज ये फकीर मांगने आएगा हमारे पास तेल तो हम मना कर देंगे कि तेल नहीं है हमारे पास। ऐसा ही हुआ। रोज शाम की तरह अपनी टमरेल उठा करके वो फकीर हमारा साईं उन दुकानदारों के पास पहुंचा, पहले एक के पास बाद में दूसरे के पास। दोनों ने मना कर दिया कि हमारे पास आज तेल है ही नहीं, अब क्या करें। तो बाबा वापस मस्जिद पहुंचे। जो टमरेल लेकर के गए थे उसमें कुड़म्बा यानी जो मटका था उसमें से पानी उड़ेल दिया। पानी उड़ेल करके वो टमरेल अपने मुख को लगाई, वो पानी पिया और उसको वापस उसी टमरेल में उलीच दिया। अब क्या होता है ये समझने वाली बात। हम लोग भी ऐसे ही होते हैं, जब हम जान करके किसी से झूठ बोलते हैं तो उसके परिणाम का मजा लेने के लिए हम लोग जरूर आतुर रहते हैं कि आज हमने झूठ बोला है, देखें कि इसका परिणाम क्या हो रहा है, कि सामने वाले को हमने जो धोखा दिया है, तकलीफ दी है, उसके मजे लेने पहुंच जाए। ये दोनों दुकानदार भी छुप के मस्जिद की जो दीवार थी टूटी फूटी उसकी आड़ में जाके खड़े हो गए। दोनों झांकने लगे, ये पूरा क्रम देख रहे थे कि बाबा ने टमरेल में पानी डाला, पिया, उसको उलीच दिया। अब बाबा ने उस टमरेल से पानी डाल करके जो मिट्टी के दीपक थे उनमें बाती भिगाना शुरू कर दिया और दिया सलाई ली और एक एक करके सारे दिए जला दिए। दोनों दुकानदार हतप्रभ डर गए कि जो फकीर इतना शक्तिशाली है कि पानी से दिए जला सकता है उसने यदि हमें श्राप दे दिया तो क्या होगा।
देखिए मन में पाप है, पाप करते भी हैं, हो भी जाता है, लेकिन फिर एक डर सताता है कि कहीं इसका दुष्परिणाम हमको न भुगतना पड़े। ये सच्चरित्र में ये सारी बातें हैं, लेकिन समझना होगा, अकेला पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अभी ये दोनों भागने को हुए, बाबा ने कहा इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। यहीं से बाबा का असली चरित्र गुरु वाला उभर करके सामने आता है। गुरु बिल्कुल मां की तरह होता है। बच्चा गलती कर सकता है लेकिन मां उससे नाराज नहीं होती। बाबा ने कहा डरो मत, इधर आओ। ये दोनों बाबा से माफी मांगने लगे। बाबा ने कहा मुझसे माफी मत मांगो, माफी मांगनी है तो उस परवरदिगार से माफी मांगो जिसकी शान में झूठ बोल करके तुमने गुनाह किया है, उस अल्लाह से माफी मांगो। माफी मांगनी है तो शिरडी के उन गांव वालों से माफी मांगो जो रात में मुझसे मिलने मस्जिद आते और अंधेरा होने के कारण उन्हें चोट लगती, गिर पड़ते, और अगर माफी ही मांगनी है तुम खुद अपने आप से माफी मांगो, क्योंकि तुमने झूठ मुझसे बाद में बोला है, अपने आप से पहले बोला है। हम जब झूठ बोलते हैं तो दूसरे से बाद में झूठ बोलते हैं, अपने आप से पहले झूठ बोलते हैं। जब हम अपने आप को छलते हैं तो हम तैयार हो जाते हैं दूसरे को छलने के लिए। जब अपने को छलने में हम सफल हो जाते हैं तो दूसरे से झूठ बोलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ये अंधेरा मस्जिद का नहीं, ये अंधेरा मन का है, और उसमें दीपक साईं ने पानी से जलाया था, हमको अपने भाव से जलाना है। मेरा अपना
कोई न जिसका इस दुनिया में साए उसकी बाहें कोई न जिसका इस दुनिया जिसने साई साई ध्याया उसने जीवन का सुख पाया जिसने साई से दिए जलाए।